गोगी हेलो बोल दे सबको, हेलो बोल दे बेटा, हेलो बोल दे बेटा, गुड बॉय, गुड बॉय गोगी। हेलो 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 हेलो, क्या नाम है? मयंक, आपका क्या नाम है? हेलो मामा। हाँ आप हो ही इतने स्मार्ट कि आपके तो फ्रेंड्स होंगे ही। अरे वो खराब कौन सा? नहीं नहीं वो खराब है, खराब है ना। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग लास्ट नाइट एंड दैट्स द स्नो कैप माउंटेन इफ यू कैन सी। वो है, उसके नाम में डाल दूंगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स है। ओके सो ऑन द वे आई विल शो यू गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमरेड्स। प्लेस बेदनी बुग्याल, और ये कितने हजार फीट पे है मुझे नहीं मालूम। नरी भैया कितने हजार फीट पे है ये? कितना? 3600 मीटर्स पे इसकी हाइट है। एंड दिस आर कॉलिक ट्रेकर्स विथ मी। भाई लोग जरा कैमरे को हाई कर दो यार। ओके बैटरी कम है, आई विल कैच यू ऑन द रोड। एंड दैट्स द ट्रेल टू द अपहिल माउंटेन एंड हियर इज द नूर कैप्चरिंग सम pics. What a beautiful sight, man. थोड़ा सा तो अपनी जीत जाएगी पर बहुत खूबसूरत है ये। इट इज वर्थ कमिंग हियर। एंड नाउ फर्स्ट स्पॉट, ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड नहीं पॉट है, ये गौरी कुंड सॉरी बेदिनी कुंड करके। और दिस इज आई थिंक मैन मेड, शायद मैन मेड नहीं है पर इसको रिनोवेट किया गया है। आई विल शो यू। नरी भैया ये नेचुरली फॉर्म्ड है या फिर इंसानों ने मिलके इसको बनाया? बनाया है। ये बनाया है। ओके बेदिनी कुंड इसका नाम है राइट? बेदिनी कुंड। इट इज जस्ट एट द फुट हिल ऑफ, ये कौन सा त्रिशूल पर्वत है ना यू गाइस? हाँ ये नंदा गोमटी एंड दैट्स अ त्रिशूल। ओके ये है त्रिशूल, नंदा गोमटी यहाँ वाला, हाँ एंड दैट वन इज द नीलकंठ बंदर पूंछ, और ये चौखंबा हाथी पर्वत। ओके आई मेंशन इन द स्क्रीन है ना ये सबके नाम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। ये अपने कुछ भाई लोग हैं देहरादून से, ये हमारे गुरुजी है, ही इज गुड योगा टीचर, वेरी नाइस पीपल to check with. Awesome place. और ये हमारा दीपक। Hi. And that's लाला। लाला कैसा लग रहा है? लाला यार लाला बहुत वेट ढो रहा है मेरी वजह से। कोई तकलीफ नहीं है। लाला थैंक यू सो मच। लाला ऑलवेज बीन माई ट्रैवलिंग कंपेनियन। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज देखोगे तो लाला मेरे हर
हरने पर मेरे आधे से ज़्यादा वीडियो में है। मेरी गुड कंपेनियन, स्पोर्टी पर्सन, नाइस। नूर के साथ और दीपक के साथ मेरा ये फर्स्ट है, बट दिस बोथ आर ऑल्सो वेरी नाइस। नूर इज़ गुड फोटोग्राफर, ही इज़ वर्किंग इन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ यू नो बंडल ऑफ वाइल्ड नॉलेज। तो ऐसा कुछ है, मैं आते समय मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। And that's the view from a distance. Bedrikund. That's a Bednikund. And that's the mountains. Can you see? वो mountain मेरे बाजू में ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद चांदी एकदम चमक रही है धूप की वजह से, पर वो बर्फ है एकदम ब्राइट वाइट सफ़ेदी के चमकार, बहुत खूबसूरत है यार। मतलब यहाँ पे तो मैं आराम से एक हफ्ता आराम से रह सकता हूँ। हाइकिंग के वक्त में यहाँ पे ठंडी महसूस नहीं हो रही है, पर यहाँ पे ठंडी है। अगर आप हाइक के बाद एक मिनट भी रुक जाते हो ना, तो ठंडी आपको घेर लेगी। बहुत ही खूबसूरत है, और हमको ऐसे ऊपर चढ़ना है। ये नूर और वो बाकी के सब दोस्त लोग अब अपने हिसाब से चढ़ रहे हैं। The trail is like that. पत्थर यहाँ पे काफ़ी हिल रहे, so good hiking shoes are preferred with good spikes. धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फिर भी मैं ये कर पा रहा हूँ। स्लो स्टेडी, पुश करने की ज़रूरत नहीं है, गो इजी। ये मॉडरेट है ट्रेल ऐसा पता चला है, पर मेरे को तो ये एक्सट्रीम लग रही है, कभी किया नहीं ना इसके पहले। देखो इस तरफ में मस्त ब्यूटीफुल ये पहाड़, एक अलग ये पहाड़ एक अलग एम्बियंस देती हुई बहुत ही खूबसूरत है। ये ट्रेल है, हम लोग बीच में वहाँ उस तरफ में थे, ठीक है। आप जब भी ट्रैक पे आएंगे तो आपके साथ कई सारे स्ट्रेंज फेलो ट्रेकर भी रहेंगे, राइट? सो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प एंड डोंट इवन हेजिटेट टू गिव हेल्प टू यू नो दोज हु आर इन डैम नीड। तो यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है, यहाँ पे सब एक है। आप मदद करेंगे तो आपको मदद मिलेगी, ये एक मूल मंत्र है हर ट्रेकिंग का, कि किसी का कुछ कम हो तो उसमें थोड़ा सा योगदान करके उसको सम्मान करो। यही ज़िंदगी है भाई, और इसी का नाम है ट्रेकिंग। ट्रेकिंग इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ ट्रेकिंग, राइट नूर? नूर बेचारा थक चुका है। Okay, I'll show you some more glimpse of this place in coming clips. Stay tuned.
फड़ा के। बैटरी चल जाए यार भाई, बस फाइनली हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गए। इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन में नीचे में दे दूँगा। और व्लॉग्स थोड़े आपको रैंडम लगेंगे, पर ये रैंडम नहीं है। बारिश और पानी की वजह से, वातावरण ख़राब होने की वजह से कहीं कहीं व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहे, पर लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा डिटेल्स देने की, और आपको यहाँ के जितने भी जो तरीके हैं आने की वगैरह वगैरह सब मैं आपको बता दूँगा। ये फ़िलहाल नज़ारा आप देख लो। वो आगे में हमारे टेंट है। नेक्स्ट स्टॉप नीचे में आपने देखा, हम लोग बैदनी बुग्याल में रुके हुए थे और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे पातर नचौनिया करके, ये एक स्पॉट है। तो अभी आज की रात हम लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे। मैं आपको टेंट की हालात दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसे यहाँ पे बंकर टाइप के कुछ बने हुए होते हैं, ये थर्मोकंडक्टर होते हैं। फिलहाल इट्स नॉट इन, यू नो, इट्स नॉट इन पोजिशन टू स्लीप लेप। यहाँ पे शायद वो कच्चर वच्चर यहाँ पे रख देते हैं ना, और ये ऐसा कुछ है। वहाँ पे टेंट है और कुछ भाई लोग वहाँ पे ऊपर में हैं। तो बस अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आज का व्लॉग तो यहीं एंड करूँगा, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, क्योंकि ऑन द रूट ही बहुत सारे नज़ारे आए है ना। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ टॉप में, वहाँ से कुछ नज़ारे मिले तो ठीक है, वरना व्लॉग यहीं एंड कर दूँगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो टेंट लगा रहे हैं। So it's time to explore this Patal Nachonia. Okay, ये location का नाम है Patal Nachonia. ऐसा कुछ ये trail नहीं है, ये मतलब यहाँ पे जो आजू बाजू छोटे मोटे spots है ये point के, आप वहाँ जाके अपनी कुछ photos खींच सकते हो, है ना। मैं ऐसे ही निकल गया हूँ थोड़ा time pass करने, नींद भी नहीं आ रही थी, टेंट वेंट सब पीछ हो गया है, और जैसे फूल है यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ फूल है, बहुत ही मतलब ये तो हमारे तरफ में ऐसे फूल नहीं मिलते पूरे ये बुग्याल में, ऐसे पीले फूल, नीले फूल, सफ़ेद फूल। और ये फर्न जिसकी जिसका साग भी बनता है, यहाँ के लोग साग बनाते, ये जो फर्न है। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसके पहले भी ये पूरे ट्रैक की वीडियो बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में या तो फिर वीडियोस में जाएंगे तो आपको दिखेगा सारे वीडियोस, और बहुत सुंदर वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी ये पसंद आएंगे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ। कैसा है, क्योंकि वीडियोस बनाते वक्त ना काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और हर चीज़ें फुलफ़िल मैं कर सकूँ कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो ज़रा 19-20 हो गई तो माफ़ करना, है ना। और ये कुछ बढ़िया सा स्पॉट है यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे पीछे पूरा कोहरा है। हम लोग बहुत नीचे से आए हैं, पहले नीचे से फिर ऊपर, फिर और नीचे, फिर और ऊपर, ऐसे ही चल रहा है। और ये ठंडी में ना ये GoPro की बैटरी इतनी जल्दी उतरती है कि विद इन 5 मिनट्स 50% पे पूरी बैटरी आती है।
ये ऐसा कुछ हिसाब है, पीछे में नज़ारा है। मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो रही होंगी ये खूबसूरती देख के, क्योंकि वो तो नहीं आ पाएंगी यहाँ पे, मेरे पापा भी नहीं आ पाएंगे। तो ऑल द एफर्ट वॉट एवर आई एम डूइंग ऑफकोर्स इज़ फॉर माई पेरेंट्स और आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग देखोगे तो और काम करने की मुझे जिद आएगी। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, कीप रोमिंग, घूमो फिरो, एक ही ज़िंदगी है ना। और बस सी यू, भूल चुक हो गई हो तो माफ़ करो। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय एंड पीस। अभी इन्हीं पहाड़ों के बीच में से मैं आपका वेलकम करता हूँ इस व्लॉग में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और दिस इज मी योर फ्रेंड बस्ता मैन एनगोल्फ इन पोंचो। This was massive hard work. Awesome place. नजारे हो गए साहब, मजे लीजिए आप। लाला कैसा लग रहा है बर्फ की पहाड़ देख के? बहुत ही जोरदार। हाँ कैसा लग रहा है? खतरनाक सही लग रहा है। पूरे खाना खा रहा हूँ।